क्या आपको रनिंग करते टाइम बैक पेन होता है, क्या आपको स्क्वाट्स करते टाइम बैक पेन होता है, क्या आपको डेडलिफ्ट करते टाइम पेन होता है, और क्या आपकी सिटिंग जॉब है और उसकी वजह से आपको बैक पेन है। सो मैं आपको आज कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज गाइड करूँगा कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, पहले ये बताऊँगा और फिर उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर एक्सरसाइज और उसकी फॉर्म एंड टेक्निक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक बार हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक्चुअल में पेन होता क्यों है। हमारी जो स्पाइन के अराउंड एक शीट होती है उसको हम टीवीए बोलते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमेन। ट्रांसवर्स एब्डोमेन का एक्चुअल रोल क्या होता है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे बलून के अंदर हम टॉफी डाल देते हैं ना, जैसे वो जब तक बलून में हवा रहेगी वो टॉफी जब तक सेफ रहेगी, सेम ऐसे ही अगर आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमेन जो आपकी टीवीए होती है, जो कोर बोलते हैं जिसको हम, अगर वो आपकी स्ट्रोंग है, वो आपने अच्छे से ट्रेन कर रखी है, तो आपकी स्पाइन अच्छे से स्टेबलाइज रहेगी और स्पाइन में पेन होने के 90% चांस कम हो जाते हैं। बाकी 10% आपका लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपका पोस्चर के रिगार्डिंग, या फिर अगर आपकी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी कोर अच्छी है, एंगेजमेंट अच्छी है, तो आपके 90% बैक पेन के चांस खत्म हो जाते हैं विदाउट एनी डिस्क प्रॉब्लम और अदर्स मेडिकल कंडीशन। सो मैं आज उसी को स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ आपको एक्सरसाइज गाइड करूँगा और आज हम वीडियो बनाने के लिए चलते हैं एनी टाइम 43 सेक्टर। सो अभी मैं आपको जो कोर स्ट्रेंथनिंग गाइड करूंगा ये आप 6 के 6 डेज अपनी वर्कआउट में एड ऑन कर सकते हैं, चाहे आप एक साइकिलिंग करते हैं, चाहे आप एक रनर हैं, चाहे आप वॉक करते हैं, चाहे आप जिम लवर हैं, आप सिटिंग जॉब है चाहे आपकी, आप ये डेली आप ये एक्सरसाइज कीजिए, डेफिनेटली आपकी बैक पेन रिलीफ होगा आपका और कोर स्ट्रेंथ अच्छा होगा। और सो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी एंटी टिल्ट पोस्टीरियर टिल्ट, आपने लेट के करना है, लोअर बैक से आपने जो मैट आपने नीचे है वो प्रेस करना है और अपनी कोर को एक्टिवेट करना है। ये बेसिक वार्म अप में भी लगा लीजिए और एक प्रॉपर कोर एक्टिवेशन भी लगा लीजिए स्टार्टिंग में। सेकंड एक्सरसाइज जो रहेगी इसमें आपने नी 90 डिग्री पे करके लोअर बैक से अपने मैट को प्रेस करना है और कोर को अच्छे से एक्टिवेट करना है आपने। अगर इसमें थोड़ा सा अगर आपने एडवांस करना है तो मैट या पिल्लो आप अपनी नी के बीच में ही प्रेस कर सकते हो और लोअर बैक को नीचे दबाना है आपने। थर्ड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, नी 90 डिग्री पे करके और हाथ और पैरों को ओपन करना है और लोअर बैक, ध्यान रहे कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करोगे तो लोअर बैक के बीच में और मैट के बीच में गैप ना हो। अगर लोअर बैक इसमें साथ में उठेगी तो कोर स्ट्रेंथ नहीं होगा, बकायदा आपको बैक पेन होने के चांस भी हो सकते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है बर्ड एंड डॉग, इसमें आपकी स्टेबिलिटी बेसिकली एक्सरसाइज है ये। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो 10 to 15 सेकंड के लिए, वन साइड होल्ड कर सकते हो, इसमें आपका स्पाइन की स्टेबिलिटी अच्छी होगी और कोर एंगेजमेंट अच्छी रहेगी। फिफ्थ, जो भी मैंने एक्सरसाइज में शो कर रखी है इसमें ध्यान रहे कि आप 15 to 20 सेकंड होल्ड करोगे, एज पर योर कैपेसिटी आप 10 सेकंड से स्टार्ट कर लीजिए, बट आपकी नी इसमें हवा में रहेंगी और अपनी कोर को आपने एंगेज करना है। सो ये कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज थी कोर के लिए। अब ये बेसिक मैंने अभी आपको गाइड किया है, इसमें अभी और एडवांस मैं कोर की स्ट्रेंथनिंग करूंगा, सारी एक्सरसाइज जिम में ही बनाऊंगा और प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक के साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। फिर भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है इसके रिगार्डिंग, या आपको कोई भी इंजरी से रिलेटेड आपकी कोई इंक्वायरी है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।